नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारतवर्ष में 100 से ज़्यादा नेशनल पार्क या संरक्षित वन हैं, किंतु आज हम लोग एक ऐसे अद्भुत जंगल के बारे में सुनने जा रहे हैं जो कि भारत के सबसे पूर्वी जिले चांगलांग अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। यह अद्भुत अनुभव हम IMS काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्राध्यापक प्रोफेसर सिद्धार्थ लखोटिया एवं प्रोफेसर अंजलि रानी के द्वारा किए गए यात्रा वृत्तांत को सुनेंगे। तो डॉक्टर साहब, आपसे यह पहला प्रश्न है कि आपने इस अनुपम स्थान के बारे में कैसे जाना और इस इतना सुदूर जंगल में आपको क्या खींच के ले गई? धन्यवाद धर्मवीर जी। हाँ, ये जंगल तो बहुत ही खूबसूरत हैं और हम लोगों के मन में हमेशा से ये इच्छा थी कि जो हिंदुस्तान का पूर्वोत्तर वाला हिस्सा है, जो सबसे पूर्वोत्तर जिला है, वहाँ पहुँचें। तो जब वहाँ पहुँचने का हम लोगों ने प्लान बनाया तो हम लोगों ने पाया कि वहाँ पर एक नामदफा नाम का एक फॉरेस्ट है जहाँ पर हम लोग जा सकते हैं। तो हम लोगों की जो ये यात्रा थी, ये असम के तेजपुर ज़िले, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है, वहाँ से शुरू हुई। तब डॉक्टर अंजलि वहीं पे, वो आर्मी में थी तो वहीं पर पोस्टेड थी, तेजपुर बेस हॉस्पिटल में। तो जब हम लोगों ने अपनी जर्नी स्टार्ट की तो लगभग 500 किलोमीटर की जर्नी थी नामदफा नेशनल पार्क तक की। शुरुआत में, जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं कि जब हम लोग तेजपुर से निकले, ब्रह्मपुत्र नदी को क्रॉस करने के बाद जब नामदफा की तरफ बढ़े तो दोनों तरफ असम के, जो ऊपरी असम, अपर असम है, ब्रह्मपुत्र के किनारे बसा हुआ, दूर दूर तक जहाँ तक नज़रें जाएँ सिर्फ चाय की खुशबू थी और चाय के दूर दूर तक फैले हुए बागान थे। बहुत ही अद्भुत नज़ारा था। किलोमीटर तक, घंटों घंटों तक चलते चलते जाएँ और दोनों तरफ चाय के बागान ही बागान थे। उसके बाद फिर अभी जहाँ हम लोग गुजर रहे हैं, ये काजीरंगा नेशनल पार्क के मध्य से गुजर रहे हैं और पूर्वोत्तर की तरफ हम लोग बढ़ते जा रहे हैं। जो भारत का पूर्वोत्तर सीमा है, वो वहाँ पे बर्मा और चाइना स्थित हैं। तो ये जो अभी आप जो जंगल देख रहे हैं, काजीरंगा नेशनल पार्क, ये वन हॉर्न राइनोसोरस के लिए बहुत प्रसिद्ध जंगल हैं। सो यहाँ से हम लोग आगे और नामदफा की तरफ अभी बढ़ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए चलते चलते हम अपने यात्रा के गंतव्य के बारे में विस्तार से डॉक्टर साहब से चर्चा करते हैं। हाँ धर्मवीर जी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो नामदफा नेशनल पार्क है, ये हिंदुस्तान के सबसे पूर्वी जिले चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। और चांगलांग डिस्ट्रिक्ट के जो पूर्व में बर्मा देश है और उत्तर में चीन से उसकी सीमाएं लगती हैं, अरुणाचल प्रदेश की जो उत्तर की सीमाएं हैं। तो ये पार्क बेसिकली जो एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है पूर्वोत्तर भारत का, पूर्वोत्तर हिमालयस का, इसमें हिंदुस्तान, चाइना और बर्मा तीनों देश के जंगल मिलकर के आते हैं। यहाँ के जो फ्लोरा और फौना हैं ये बहुत ही विविध हैं और कुछ बातें इस पार्क की बहुत खास हैं। पहली की है कि ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, सबसे बड़ा जंगल है हिंदुस्तान का। उसके अलावा इसे हिंदुस्तान के सबसे रिच बायोडाइवर्स हॉटस्पॉट्स में भी माना जाता है। वेस्टर्न घाट से एक हैं, उसके बाद में ये वाला जो पूरा रीजन है ये भी एक बायोडाइवर्स हॉटस्पॉट्स है इंडिया का। इस पार्क के में ये लगभग 27 डिग्री नॉर्दर्न लेटीट्यूड में स्थित है ये पार्क। और कुछ बातें इस पार्क को बहुत ख़ास बनाती हैं, वो उन ख़ास बातों में से एक है कि यहाँ पे फोर जो बिग कैट्स होती हैं उनकी चारों प्रजातियाँ यहाँ पाई जाती हैं। स्नो लियोपार्ड, लियोपार्ड, टाइगर, ये सारी जो बिग कैट्स की स्पीशीज़ हैं वो इस पार्क में पाई जाती हैं। ये पार्क नॉर्दर्न मोस्ट एवरग्रीन रेनफॉरेस्ट हैं दुनिया के। 27 डिग्री नॉर्दर्न लेटीट्यूड के ऊपर और कोई भी रेन फॉरेस्ट नहीं है। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा नेशनल पार्क तो ये है ही है। उसके अलावा इस पार्क का जो एल्टीट्यूड का रेंज है वो अपने आप में बहुत अद्भुत है। पूरे वर्ल्ड में शायद ही कोई जंगल इतने ज़्यादा वाइड एल्टीट्यूड में फैला हुआ हो। लगभग सी लेवल से ये स्टार्ट होता है इसका एल्टीट्यूड और ऊपर में लगभग 4,500 मीटर तक जाता है, लगभग 15,000 फुट तक।
सो इतना वाइड एल्टीट्यूड होने की वजह से यहाँ पर सारे प्रकार के जो वन होते हैं ना, माने फ्रॉम ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट से स्टार्ट होने के बाद में, उसके बाद मोंटाने फॉरेस्ट, और फिर ऊपर जाएंगे तो टेम्परेट फॉरेस्ट, और ऊपर में अल्पाइन मीडोज, फिर उसके ऊपर जा कर के जो अपनी ट्री लाइन होती है लगभग 9-10 हज़ार फीट पे, उसके ऊपर फिर पेड़ और नहीं मिलते हैं, फिर वो साल भर वहाँ पे बर्फ़ ही जमी रहती है। सो ये पार्क अपने आप में कुल मिलाकर के बहुत ही रिच फ्लोरा और फौना की जगह है और एक अद्भुत है। तो यही सब चीज़ थी जो कि हम लोगों को इस पार्क की तरफ खींची ले गई और हम लोगों ने यहाँ जाने का प्लान बनाया था। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि डॉक्टर साहब, ये जो नाम है इसका स्वाम नामदफा, बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रही है, तो उसके हम लोग जानना चाहेंगे कि इसके नाम के पीछे क्या रीजन रहे होंगे और या इसके नाम का क्या ओरिजिन हो सकता है। हाँ, इसका नाम वाकई बहुत अद्भुत नाम है, नामदफा। हम लोगों ने जब इसके बारे में जानना चाहा तो पाया कि सिंगफो जो भाषा है उसमें नाम का मतलब होता है वाटर यानी पानी, और दफा का मतलब होता है ओरिजिन, माने जहाँ से पैदा हुआ। सो नामदफा, सो इस पार्क के थ्रू एक नदी बहती है जिसका नाम है नोहा डेनिंग रिवर। तो ये जो नोहा डेनिंग रिवर है, शायद यहीं से इसके नाम की ओरिजिन ही होगी कि नाम मतलब पानी और दफा मतलब ओरिजिन। सो रिवर जो कि दफा बम ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है, सो दफा नाम वहाँ से आया, जो कि ग्लेशियर है वहाँ पे, ये इंडिया और बर्मा के बॉर्डर पे ये ग्लेशियर है दफा बम। तो दफा बम से जो पानी की ओरिजिन होती है वो नोहा डेनिंग रिवर है, तो यहाँ से इसका नाम नामदफा पड़ा है। यहाँ पे जो अपने बात कर रहे थे फ्लोरा और फौना की, तो आपको बताएं कि यहाँ पे लगभग मोर देन 1000 डिफरेंट प्रकार के फ्लोरा हैं और करीब 1400 डिफरेंट फौना स्पीशीज़ हैं यहाँ पे, है ना। फौना मतलब जो डिफरेंट जानवर की जो स्पीशीज़ हैं, वो लगभग 1400 डिफरेंट जानवर की स्पीशीज़ हैं। धन्यवाद डॉक्टर साहब। ये बड़ा ही रोचक नेशनल पार्क है और जो 1985 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, तो इतने बड़ी जगह में डॉक्टर साहब क्या क्या घूमने लायक आपको दिखा वहाँ पे? ये तो देखिए बड़ा जंगल है। इस जंगल की एक और खासियत है, कई खासियत हैं इस जंगल की, जैसे मैंने आपको बताया। एक खासियत ये है कि यहाँ पर कोई भी जीप सफारी नहीं है, यहाँ बिजली नहीं है, यहाँ कोई मोबाइल का टावर नहीं है, कोई मोबाइल के कनेक्शन नहीं है, माने जंगल का जो प्योर आनंद होता है वो आपको इस जंगल में मिलेगा 100%। आपको एकदम लगेगा कि आप जंगल के अंदर हैं। आपको ना तो वहाँ पर कोई आर्टिफिशियल रिक्रिएशन की या कोई आर्टिफिशियल सुख सुविधाएं, हट्स बनी हैं, तंबू हैं, उसमें आपको रहना है, ना तो कोई मोबाइल जैसे मैंने आपको बताया, ना कोई जो बिजली वगैरह का कोई कनेक्शन, वो सब कुछ भी नहीं है। सूर्यास्त हुआ, अपना अपना टेंट में जाइए और सो जाइए और सूर्योदय पे उठिए। बहुत ही अद्भुत था इस जंगल में जब हम लोग थे, तो हम लोग ने देखा कि जब गर्मी के मौसम में हम गए थे, और मुझे याद है कि लगभग सुबह, क्योंकि यहाँ भी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम चलता है, तो लगभग सुबह 3:30 बजे हल्की हल्की रोशनी चालू हो गई। तो एकदम अजीब सा मन में फीलिंग होता है कि 3:30 बजे, 4:30 बजे तो लगभग सूरज उग गया था, और 5 बजे तो एकदम अच्छी खासी धूप थी वहाँ पे, और ऐसे ही रात में शामें भी बहुत जल्दी हो जाती हैं। सो इस जंगल की बहुत सारी चीज़ें बहुत ही अद्भुत तरीके से रोचक थी। ये लगभग 1972 में ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की तरह इसको डेवलप किया गया था। और जो आपने पूछा कि यहाँ पर घूमने के लिए, तो कहीं भी निकल जाइए, जंगल है, कहीं भी निकल जाइए, घूमने ही घूमने को है, तरह तरह की चीज़ें देखने को है। आपका भाग्य बहुत अच्छा हुआ तो आपको जंगली जानवर भी देखने मिल जाएंगे। कुछ जो खास जगहें यहाँ पर घूमने के लिए बोलते हैं उनके मैं आपको कुछ नाम बताता हूँ, जैसे हल्दीबाड़ी है, फिर मियाओक में जो फॉरेस्ट ऑफिस, उसके बगल में इसका म्यूज़ियम है, वहाँ पे एक मिनी जू है, फिर जंगल के अंदर मोती झील, हॉर्नबिल, बुलबुलिया के अभी वीडियोस कुछ आगे और आएंगे जिसमें आप देखिएगा, ये एक अजीब बड़ी सुंदर सल्फर की स्प्रिंग्स हैं यहाँ पर, और हवा में जो गैस, मीथेन गैस रिलीज़ होती है, तो हवा में आप कहीं भी माचिस जलाइए तो हवा आग पकड़ लेती है। इसके अभी आगे वीडियोस आएंगे इसमें। रानी झील है, राजा झील है, फर्म बेस है, तो ये सारे के सारे जंगल के अंदर ही घूमने की जगहें हैं।
यहाँ का ड्राइव जैसा कि अभी हम लोग देख रहे हैं अपने वीडियो में बड़ा ही सुंदर था, पर आसाम से होते हुए हम लोग बढ़ रहे थे अपने गंतव्य की ओर। मार्गरीटा, तिनसुखिया, डिब्रूगढ़, ये सारे के सारे टाउन्स आने थे हम लोगों के रास्तों में। अभी हम लोग जो आप देख रहे हैं ये शिव सागर टाउन के थ्रू हम लोग गुजर रहे हैं। अपर आसाम में एक टाउन है शिव सागर। बस टाउन्स के बीच में चहल पहल दिखती थी, छोटे छोटे सब टाउन्स हैं, बट उसके बाद तो फिर पूरा वही पूरा प्रकृति ही का राज्य है इन जगहों पे। प्रकृति तो हर जगह ही लुभावनी होती है, हालांकि हम लोग मैदानों की तुलना में पर्वतीय भागों में ज़्यादा सुंदरता देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पे ग्रीनरी भी बहुत ज़्यादा है। तो आपको क्या लगता है डॉक्टर साहब कि जैसे कि मैदानी इलाकों से और यहाँ के पर्वतीय इलाकों में कितना डेंसिटी जंगल का हो सकता है? नहीं, अरुणाचल प्रदेश को आप देखिए तो लगभग 90% जंगलों से ही घिरा हुआ है। इंडिया का सबसे ग्रीन स्टेट ये है यहाँ पर बस। और अपर असम में फिर भी पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन ब्रह्मपुत्र के एक बार नॉर्थ में चले जाइए तो फिर जंगल ही जंगल है। अरुणाचल प्रदेश तो पूरा ही जंगल जंगल है। सो पर यहाँ के जो शहर भी हैं, अपर असम में जो सिटीज़ भी हैं, ये बहुत ज़्यादा क्राउडेड शहर नहीं है जैसा कि हम लोग उत्तर भारत और बिहार वगैरह के एरियाज़ में देखते हैं। अभी हम लोग शिव सागर टाउन के थ्रू ही हम लोग अभी गुजर रहे हैं। आज रात में हम लोगों का प्लान था कि हम लोग, क्योंकि सफ़र बहुत लंबा था, लगभग 500 किलोमीटर का सफ़र था और संभव नहीं था कि एक ही दिन में नामदफा पहुंचा जाए, काफ़ी लंबा हो जाता, तो हम लोग ने प्लान किया कि रात होने पर हम लोग डिंजान में रुकेंगे। तो डिंजान में जो ऑफिसर्स मेस था वो भी बड़ा सुंदर था। अभी अब लगभग रात हो ही गई है तो अब हम लोग ने डिंजान में रुकने का प्लान किया था। डिंजान में जो ऑफिसर्स मेस था, मेन रोड से हाईवे से करीब 30-35 किलोमीटर अंदर जा कर के चाय के बगानों के बीच में बहुत ही सुंदर सा ये एक आर्मी का बेस था। और हम लोग का जो ड्राइवर था ये तेजपुर का ही रहने वाला था और इनोवा गाड़ी थी इसकी, नई नई थी, उसमें इसकी गाड़ी में नंबर प्लेट भी नहीं था। इसने शायद पहली ट्रिप हम लोगों के साथ की थी, पर बहुत ही बढ़िया ये ड्राइवर था। और हाँ, इन लोगों के, लोकल लोगों के साथ घूमने का आनंद ही थोड़ा अलग हो जाता है, क्योंकि इनको जगह के बारे में गहराई से पता होता है। और हाँ, ये पता तो इनको होता है, लेकिन ये नामदफा के लिए इसकी भी ये पहली ही यात्रा थी। और पर चालक काफ़ी अच्छा था। और अब हम लोग डिंजान की तरफ लगभग ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं अपने गंतव्य की तरफ जी। जो कि रात नाइट का हम लोग का हॉल्ट था जी। नॉर्थ ईस्ट में घूमते वक्त हम लोगों ने नॉर्थ ईस्ट में बहुत सी यात्राएं की जब अंजलि वहां पर पोस्टेड थी 3 साल के लिए जी। सो चूंकि हम लोग उस समय नॉर्थ ईस्ट में टूरिज्म, ये सारे के सारे वीडियोज़ जो आप देख रहे हैं लगभग 15 साल पहले के हैं, तब हमारे पास उतना, ये सब मोबाइल से बनाए हुए वीडियोज़ हैं तो इनकी क्वालिटीज़ बहुत अच्छी नहीं है जी। बट उस वक्त हमारे पास एक छोटा सा डिजिटल कैमरा था और वीडियो बनाने की कोई ऐसी बहुत वो भी नहीं थी, पर छोटे छोटे क्लिप खींचते रहते थे। हाँ, सो ये अब ऑफिसर्स मेस है मिलिट्री हॉस्पिटल डिंजान का। सो यहाँ पर हम लोग रात में रुके थे, सुबह उठे तो बहुत ही अच्छा मौसम था, रात भर बारिश हुई थी, सब कुछ भीगा भीगा सा था। यहाँ पे एक छोटा सा रेल, एक इंजन भी रखा हुआ था डिंजान मेस में जी। फिर नाश्ता वाश्ता करने के बाद हम लोगों ने, यहाँ आर्मी के कॉन्वॉयज़ बहुत दिखते हैं क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में बहुत जगह बर्मा और चाइनीज़ बॉर्डर में आर्मी सिचुएटेड है, तो रास्ते भर आपको आर्मी के ट्रक्स और कॉन्वॉयज़, और आर्मी का बेस यहाँ पर बहुत है, बहुत सारी जगहों पर आर्मी के ऑफिसर्स में सर सब हैं, तो जिससे हम लोगों को घूमने में काफ़ी सहूलियत होती थी। तो अब हम लोग नाश्ता करने के बाद वापस से हम लोग अब निकले हैं अपना, तो इस दौरान जब हम लोग अभी आगे बढ़ेंगे तो तिनसुखिया, माकूम, डिगबोई, फिर मार्गरीटा, लीडो, लेखापानी, जागून, खरसियांग, फिर मियाऊ। तो मियाऊ जो है वो चांगलांग डिस्ट्रिक्ट का एक शायद तहसील जैसी जगह थी जहाँ पर कि ये नामदफा पार्क लोकेटेड था। अभी हम लोग लगभग तिनसुखिया टाउन में पहुँच गए हैं। तिनसुखिया तक तो अपनी दिल्ली से बहुत सारी ट्रेनें भी जाती हैं, जिसमें तिनसुखिया मेल एक काफ़ी फेमस ट्रेन है जो कि बनारस और मुगलसराय बिहार होते हुए तिनसुखिया टाउन तक जाती है। राजधानी भी तिनसुखिया तक जाती है और उसके आगे डिब्रूगढ़ तक जाती है। सो
बड़ा ही रोचक यात्रा वृतांत है आपका इसमें, वो अभी भी जारी है। देखिए इसमें आपको एक चीज़ दिखाएं कि अभी ये जो चाय के बगान के बीच में जो आप पेड़ देख रहे हैं, ये बीच के पेड़ों में इन लोग काली मिर्च उगाते थे, तो नीचे चाय होती थी, पूरी चाय के बगान थे, और ऊपर इन पेड़ों पे जो लंबे लंबे पेड़ आप देख रहे हैं, ये इसमें काली मिर्च होती थी। बड़ा ही अद्भुत नज़ारा है काली मिर्च का, सुंदर दिख रहा है। हम लोग अब ये नॉर्थ असम ही है, अपर असम इसको बोलते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे किनारे, और आगे बढ़ते जा रहे हैं अपने नामदफा नेशनल पार्क की तरफ। जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, अब यहाँ पे चाय के बगान ख़त्म हो गए हैं, खुले मैदान दिख रहे हैं दूर दूर तक। ये जो एरिया है ये एक्चुअली डिगबोई एरिया है। डिगबोई जो जगह है वो सबसे पहली जो भारत में तेल की जो खोज हुई थी, हाँ, वो यहीं पे ज़मीन के नीचे से निकाला गया था ब्रिटिशर्स के ज़माने में। सो यहाँ पे ऑयल रिफाइनरी वगैरह भी है, अभी भी यहाँ से तेल निकाला जाता है। और हम लोग ऑयल रिफाइनरी तो नहीं घूम पाए थे, उतना वक्त नहीं था, पर रास्ते में हम लोगों को कई सारे ऐसे हिस्टोरिकल बोट्स दिखे, जहाँ हिस्टोरिकल प्लेसेस दिखें जो कि याद दिला रही थी कि सबसे पहले जो तेल के कुएं जो होते थे उस ज़माने में वो यहाँ पर स्थित हैं अभी भी, और वहाँ पे उनसे तेल अभी भी निकाला जा रहा है। धान की खेती हो रही थी यहाँ पे और खूब हरा भरा था, बारिश तो यहाँ हमेशा ही होती रहती है ऐसा लगता है। बहुत सुंदर सुंदर छोटे छोटे मकान थे दोनों तरफ। मकानों की छतें यहाँ हमेशा ऐसी होती थी कि इनमें पानी ना टिके। नारियल के पेड़ भी बीच बीच में आ रहे थे। केले यहाँ बहुत होते हैं, चारों तरफ केले ही केले के पेड़ दिखते थे। सब घरों के चारों ओर छोटे छोटे तालाब होते थे, यहाँ तो लोग तालाबों में मछली पालन खूब करते हैं। और बड़ा ही सुंदर प्राकृतिक सा रास्ता था, भीड़ भाड़ बहुत कम होती है इन रास्तों पर। और इन रास्तों से गुजरते हुए आपको कभी ऐसा लगा कि जैसे यहाँ पे जीवन यापन का जो तरीका है लोगों का, उनमें अपने मैदानी भागों से कठिनाइयाँ ज़्यादा हैं या ज़्यादा सुगमता है? देखिए कठिनाई और सुगम तो जीवन में शायद हर ही जगह है, हर जगह का जीवन कोई ना कोई मामलों में कठिन है, कोई ना कोई मामलों में सिंपल है, पर यहाँ के लोग बड़े सिंपल होते हैं, अपना मेहनत से अपनी दिन भर की ज़िंदगी करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इनमें बहुत ज़्यादा लालच नहीं होता है अभी भी, और प्रकृति के साथ जीना खूब चाहते जानते हैं ये लोग, और एक साथ मिलजुल करके रहते हैं, मिलजुल के अपने त्यौहार मनाते हैं। और जहाँ देखिए प्रकृति का इतना कुछ दिया हुआ है, हालांकि यहाँ पर बाढ़ भी बहुत आती है, पानी बहुत बरसता है, तो इन सब के कारणों से यहाँ के लोगों को बहुत सारी दिक्कतें भी होती होंगी ज़रूर से, लेकिन बड़े जीवट होते हैं मेरे को लगता है। जिस भी जगह में खूब दिक्कत होगी, इंसान को ज़िंदगी की बहुत सारी चीज़ें दिखते ही सिखाती हैं। सो हालांकि स्थानीय लोगों से हम लोगों का बहुत ज़्यादा ऐसी बातचीत या रुक करके उनसे मिलना जुलना तो नहीं हुआ, पर जितना भी राह चलते रास्तों में हम लोगों ने देखा, उससे एक चीज़ तो ज़रूर समझ में आई कि यहाँ अभी भी प्रकृति सर्वोपरि है, और लोग प्रकृति के साथ सामंजस्य बना करके जीने की कला को बखूबी जानते हैं। ये देखिए ये वो जगह है जहाँ की डिगबोई, जहाँ पे कि बर्थ प्लेस ऑफ इंडियन ऑयल इंडस्ट्री है। अब फिर इसके आगे हम लोग ये लेखा पानी, मार्गरेटा, ये सब बोल करके जगहें थी। यहाँ जगहों के नाम भी बड़े अद्भुत होते हैं। अब सेमी हिल्स, दूर दूर में हल्के हल्के पहाड़ दिखने लगे थे जैसे जैसे हम लोग अरुणाचल प्रदेश की तरफ बढ़ रहे थे। अरुणाचल प्रदेश और असम बहुत सारी जगहों पर जो आपस में बटे हुए हैं वो नदियों से बटे हुए हैं, जो इनकी बाउंड्रीज हैं स्टेट की, वो नेचुरल बाउंड्रीज हैं। जहाँ जहाँ नदी हैं तो नदी के उस तरफ, जैसे अरुणाचल प्रदेश हो गया, इस तरफ में असम हो गया। जी, जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं कि रास्ते में छोटी छोटी स्कूल भी हैं, तो आपको कभी रास्ते में ऐसा देखने को मिला कि बड़े इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे मेडिकल की पढ़ाई हो या इंजीनियरिंग की पढ़ाई की जा रही हो? नहीं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़े इंस्टीट्यूशंस कहीं रास्ते देखने नहीं मिले, ना तो कोई बहुत इंडस्ट्रीज बड़ी देखने मिली, ना कोई बड़े कॉलेज और स्कूल देखने मिले। ये अभी हम लोग तिनसुखिया पहुँच गए हैं, तो तिनसुखिया से एक रास्ता जो मार्गरेटा और लीडो को की तरफ जाता है, उसकी तरफ अब हम लोग बढ़ रहे हैं। तिनसुखिया नहीं, सॉरी, डिगबोई के आगे का ये बोर्ड था मार्गरेटा और लीडो की तरफ जाने वाला।
यहाँ तक भी भारतीय रेल आती है, जो लीडो है वो लीडो टाउन तक ब्रॉडगेज रेलवे जाती है। तो एक्चुअली लीडो में हम लोगों ने भारत का सबसे पूर्वोत्तर रेलवे स्टेशन जो है वो लीडो में देखा। अभी आगे आएगी उसकी एक दो फोटोग्राफ्स जो हम लोगों को देखने मिली। यहाँ पे जो मेडिकल कॉलेज है, एक्चुअली तिनसुखिया डिब्रूगढ़ में एक मेडिकल कॉलेज है, डिब्रूगढ़ में स्टेट मेडिकल कॉलेज है, बट इधर की तरफ में बहुत ज़्यादा बड़े मेडिकल या इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस एज सच नहीं है कोई बहुत ज़्यादा। ये देखिए, ये लीडो रेलवे स्टेशन की एक फोटोग्राफ है जो कि हम लोगों को रास्ते में देखने मिली थी। फिर जब हम लोग लीडो से आगे बढ़े तो लेखापानी, जागून और खरसियांग होते हुए फिर हम लोग ये लीडो टाउन के थ्रू हम लोग ड्राइव कर रहे हैं। छोटे छोटे टाउन्स होते थे और भीड़ भाड़ बहुत कम होती थी, बस मार्केट एरिया भीड़ भाड़ भरी होती थी। उसके अलावा ये तो खैर हम लोग हाईवे से ही गुजर रहे हैं, लीडो टाउन के हाईवे से। बहुत उत्सुकता थी कि हम लोग जितना जल्दी हो नामदफा नेशनल पार्क पहुँचें। और एक चीज़ हम लोगों ने, और जब हम लोग जा रहे थे नामदफा के लिए तो उसके बारे में, जो हिंदुस्तान का सबसे पूर्वोत्तर गांव है जिसका नाम है गांधीग्राम और विजयनगर, तो ये गांधीग्राम और विजयनगर जो है, ये गांधीग्राम लगभग नामदफा जंगल के अंदर ही में ही स्थित है और यहाँ लिशु ट्राइब के लोग रहते हैं, लिशु ट्राइब के लोग। सो ये देखिए, अभी आप जो जगह देख रहे हैं ये लेखापानी बोल करके एक जगह है, यहाँ पे कोल माइनिंग होती है, जो ओपन पिट माइंस इनको बोलते हैं। सो यहाँ पे ज़मीन के अंदर से नहीं, ये कोयला ऊपर की चट्टानों को तोड़ करके वहाँ से निकाला जाता है ओपन पिट माइंस से। सो लेखापानी में हम लोगों को बहुत सारी कोल माइंस देखने मिली। यहाँ पे डॉक्टर साहब, कोल माइंस के अलावा इन क्षेत्रों में आपको जैसे कि नेचुरल लेक होती हैं वो देखने को मिला, या जैसे वाटर रिसोर्सेज कैसे थी? लेक्स तो यहाँ बहुत सारी हैं, बट मेन यहाँ पे वाटर रिसोर्स, यहाँ नदियाँ बहुत सारी हैं। ब्रह्मपुत्र नदी ही मेन सबसे बड़ी नदी है जो इस पूरे अपर असम को के साथ साथ में चलती है। सो पानी की तो यहाँ कहीं कमी नहीं है, बरसात तो बहुत होती है, बहुत बरसात होती है। मेरे ख्याल से कहीं भी हमको देख कर नहीं लगा कि पानी की कोई भी कमी है। ये हम लोग अभी लेखा पानी से गुजर रहे हैं। यहाँ पे जो गुड्स ट्रेन आती हैं, ये इंडिया का लास्ट ईस्टर्न मोस्ट गुड्स ट्रेन का हॉल्ट है। कोल माइंस तक ये सारी गुड्स ट्रेन आती हैं। जैसे हम लोगों ने देखा ना, लीडो तक तो जो कमर्शियल ट्रेन्स थी, पैसेंजर ट्रेन्स थी, वो जाती हैं, बट यहाँ तक ये जाती। अब आगे हम लोग जागून टाउन की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ फिर थोड़े चाय के बगान थे दोनों तरफ, चाय की बहुत सारी यहाँ फैक्ट्रीज भी थी। हम लोग चाय बनने का प्रोसेस तो उनमें जाकर के इस बार देखने का मौका नहीं मिल पाया था क्योंकि समय नहीं था, बट वो भी अपने आप में चाय को बनते देखना, कैसे चाय पत्तियाँ तोड़ते हैं लोग, उन चाय पत्तियों को तोड़ के फिर कैसे सुखाते हैं, सुखाने के बाद कैसे उसको चाय बनाई जाती है, और उस वातावरण में हर जगह सिर्फ चाय चाय की खुशबू फैली रहती है, बहुत ही अद्भुत लगता है ये सारा का सारा नज़ारा। अब हम लोग अरुणाचल प्रदेश की तरफ धीमे धीमे बढ़ रहे हैं। एक और अद्भुत चीज़ आपको बताएं, जैसे जैसे हम लोग अरुणाचल प्रदेश की तरफ बढ़ते हैं या चीन और बर्मा बॉर्डर की तरफ अरुणाचल में भरते थे, तो लोगों के चेहरों में चेंज होता था। जैसे असम से जब स्टार्ट होते थे तो एक चेहरों में एक इंडियन लुक, एक बंगाली लुक लगता था, फिर धीमे धीमे वो एसमीज चेहरे आते थे, फिर अरुणाचल की तरफ बढ़ते बढ़ते वो मंगोलॉइड फेसिज होते जाते हैं, जैसे वो जो अपने आप को जो चीन और तिब्बत के जैसे लोग दिखते हैं ना, मंगोलॉइड फेसिज वाले, हाँ वो चेहरे दिखने लगते हैं। जैसे जैसे हम लोग अरुणाचल प्रदेश में और चीन और बर्मा की तरफ बढ़ते जाते हैं, सो रोड के द्वारा सफ़र करने में माने पूरी की पूरी एक जर्नी जो होती है वही अपने आप में बहुत कुछ सिखाती है। ये देखिए कितने छोटे छोटे सुंदर सुंदर गांव हैं, छोटे छोटे मकान हैं। अच्छा, जैसा कि आपने उनके शारीरिक रूप का वर्णन किया है, रूप के अंतर के बारे में बताया है, वैसा हम जानना चाहेंगे कि आपको कल्चर के एसिमिलेशन को कैसा मिला है आपको? जैसे कि जी ये पार्ट है वो मोस्टली बर्मा और चाइना के, लग रहा है कि जो संस्कृति है उनका कुछ दर्पण हमको देखने का मिल सकता है, तो आपका कैसा अनुभव रहा इन संस्कृतियों को देखने का?
बस एक ही अनुभव रहा कि इन लोगों में बहुत ज़्यादा शांति है और बड़े शांत प्रवृत्ति के लोग हैं। अगर आप इनको बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ ना करें, इनको अपनी ज़िंदगी जीने दें, प्रकृति के साथ ये लोग जीते हैं, प्रकृति के साथ उसके जो गिफ्ट्स हैं प्रकृति के उसको यूज़ करते हैं, अच्छा शुद्ध ताज़ी हवा, शुद्ध खाना खाते हैं। ये देखिए, ये लेखा पानी है, ये लेखा पानी रेलवे स्टेशन। यहाँ पे हम लोग को कोई ट्रेन तो नहीं दिखाई दी, पर लास्ट रेलवे स्टेशन जैसा लगा। शायद अब ये चलता नहीं है, यहाँ पे ट्रेन्स बंद हो गई हैं। और ये अब हम लोग अरुणाचल प्रदेश में इंटर कर रहे हैं। जब भी अपने इसके पहले देखा वो नदी थी जिसके अक्रॉस ब्रिज था, अब हम लोग अरुणाचल प्रदेश में, ये बोर्ड लगा हुआ था वेलकम टू अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश जब हम लोग जाते हैं तो अरुणाचल प्रदेश के लिए इनर लाइन परमिट होता है, वो लेना पड़ता है जाने के लिए। अरुणाचल प्रदेश को घूमने के लिए इनर लाइन परमिट की आवश्यकता होती है। तो इसके अलावा हम लोगों को यात्रा करने में और कौन सी जरूरतों को ध्यान में रखना होगा कि स्पेशली इन इलाकों में? इन इलाकों में कोई ऐसे, अब देखिए अगर आप वेजिटेरियन हैं तो ज़रूर यहाँ खाने पीने की दिक्कत होती है, क्योंकि वेजिटेरियन फूड उतना आसानी से अवेलेबल नहीं है। ये अब हम लोग अरुणाचल प्रदेश में लगभग जो चांगलांग जिला है लगभग वहाँ पहुँच गए हैं, और मियाओं की तरफ धीमे धीमे बढ़ रहे हैं। ये रास्ते का ही एक सीन है, उतर के हम लोग थोड़ा बहुत जो सवेरे पैक कराए थे एक जगह, वहाँ से उतर के हमें थोड़ा बहुत नाश्ता किए थे। तो हम लोग चूँकि वेजिटेरियन हैं इसलिए हम लोगों को ये दिक्कत हुई थी। अंजलि यहाँ पर खूब इंजॉय कर रही थी, कोई भी इंजॉय करेगा, इतनी शुद्ध इतनी खुली हवा थी। बट उसके अलावा और जो ये अब हम लोग मियाँ पे लगभग पहुँच गए हैं। ये मियाँ जो छोटा सा एक गांव जैसी जगह थी, बहुत ही प्यारा साफ सुथरा सुंदर सा गांव था। यहाँ पर मियाँ का फॉरेस्ट ऑफिस था, यहाँ से परमिट वगैरह सब लेना पड़ता था। और ये देखिए यहाँ पर हॉर्नबिल्स के डिफरेंट डिफरेंट फोटोग्राफ्स हैं। ये मियाँ का छोटा सा मार्केट था जहाँ था वेजिटेबल, यहाँ से हम लोगों ने जोक गार्ड्स खरीदे थे, जो बड़े बड़े पहनने के मोजे होते थे जिससे कि सांपों और जोक से सुरक्षित रह सकें आप। ये मियाँ से जब हम लोग आगे बढ़े जंगल की तरफ तो देखिए यहाँ पे जो लोगों के घर हैं ये ज़मीन से थोड़े से उठ के, ये नोहा डेलिंग रिवर का एक दृश्य है। और अब हम लोग नोहा डेलिंग रिवर को क्रॉस करके जो नामदफा का जो कोर जंगल है उसकी तरफ धीमे धीमे बढ़ रहे थे। जैसा कि आपने यहाँ के घर के बारे में बताया ये देखिए कि ऐसे बता रहे हैं आपको घर, जी है ना, कितना ज़मीन से उठे हुए हैं। ये बरसात बहुत होती है ना, तो जी पानी से घर के अंदर पानी ना जाए इसलिए ये ज़मीन से 5-6 फीट उठा करके ये लोग घर बनाते हैं। ये वहाँ लोकल हैंडलूम बना रहे थे वहाँ के लोग, बहुत सुंदर शॉल बनाते हैं वो लोग। जी कभी आपको ये देखने को मिला कि जैसे कि आप ज़्यादातर स्थानीय और पहाड़ियों में जैसे कि आपको घर मिला हो जो वृक्ष के ऊपर बना हो? नहीं, वृक्ष के ऊपर तो नहीं, पर वृक्ष की टहनियाँ उन्होंने बहुत यूज़ की थी। घर को वृक्ष की टहनियों में 5-6 फुट ऊंचा बनाया था। जी यह प्रोजेक्ट टाइगर का गेट है, जो नामदफा प्रोजेक्ट टाइगर है उसका ये एक गेट है। जी और खूब बारिश चालू हो गई थी, ज़बरदस्त बारिश हो रही थी जब हम लोग यहाँ पहुँचे। चारों तरफ कीचड़ ही कीचड़, ज़बरदस्त बारिश और खूबसूरत जंगल, अपने आप में बहुत ही रोमांचक सफ़र था। अब हम लोग सुबह चालू किए थे जब मियाँ से हम लोग करीब, हमको यहाँ तक याद आ रहा है दोपहर के 1 या 2 बजे तक लगभग हम लोग मियाँ पहुँचे थे, जब सुबह डिंजान से स्टार्ट किए थे। तो और जब इस रोड पे चलते जा रहे थे हम लोग को नोहा डेलिंग रिवर क्रॉस करनी थी, अचानक से हम लोग ने जब हम लोग यहाँ पहुँचे तो हम लोग ने देखा कि सड़क ही पूरी की पूरी गायब है। तो फिर ड्राइवर इसने पूरी की पूरी गाड़ी नदी में ही उतार दी, और नदी में पत्थरों के बीच में गाड़ी चलाता हुआ, बहुत ही हिम्मती ड्राइवर था ये भी। इसकी नई नई गाड़ी थी, चाहे इसको अपनी गाड़ी में खूब विश्वास था। तो खूब तेज पड़ती बारिश में हम लोगों ने, हाँ, तो खूब तेज पड़ती हुई बारिश में हम लोगों ने इस नदी को, जिसका कि पुल बह गया था, तो उस नदी की तलहटी से इस नदी को क्रॉस किया। और नदी को क्रॉस करके फिर हम लोग जंगल में गुजरे, इंटर किए। यहाँ काफ़ी ठंड हो गई थी क्योंकि बारिश हो रही थी, उसकी वजह से ठंड भी काफ़ी थी। ये अब हम लोग नदी के उस पार वाली जो सड़क है उस पर चढ़ रहे हैं। तो आपका बहुत सारा यात्रा जैसा कि हम लोग वीडियो में देख पा रहे हैं कि बड़ा ही मिट्टी वाले रास्तों से गुजरना पड़ रहा है, तो कभी आप इसमें चलते वक्त कोई लैंडस्लाइडिंग की वगैरह का प्रॉब्लम आया कि नहीं? नहीं, हम लोग भाग्यशाली थे, कोई लैंडस्लाइड की ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई। कई जगह बस बारिश बहुत तेज थी, लेकिन फिर भी शायद हम लोग का भाग्य अच्छा था कि हम लोग कोई भी बाढ़ में या लैंडस्लाइड में नहीं फंसे। और
ये देखिए कैसे पुल पूरा का पूरा बह गया था, जी जी तो इस तरह से गाड़ी जो थी वो नदी को क्रॉस करके दूसरी तरफ वापस पहुंची। अभी हम लोग अपना जो हम लोग का बेस कैंप होता है, जो नामदफा का जो बेस कैंप था, इसका नाम देबान है। सो हाँ, सो देबान में ही फॉरेस्ट के कुछ रेस्ट हाउस के कुछ कैंप्स थे जहाँ पर कि हम लोगों को रुकना था। बड़ा इंटरेस्टिंग था, जब हम लोग गए वहाँ पे नामदफा में फॉरेस्ट ऑफिसर से मिले तो उसका पहला ही सवाल ये था कि आप लोग बर्ड वॉचर हैं कि एनिमल वॉचर हैं कि स्नेक वॉचर हैं, क्या हैं, क्योंकि वहाँ पे नॉर्मली जनरली कोई घूमने नहीं जाता था उस समय आम आदमी। तो हम लोग नहीं, हम लोग इनमें से कोई भी नहीं है। तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि अरे आप लोग यहाँ घूमने आए हैं इतना दूर, क्योंकि वहाँ जनरली साइंटिस्ट या जो पेड़ों के बारे में पढ़ते हैं बॉटनिस्ट लोग, ये लोग ही जाते हैं। जो वहाँ का एक म्यूज़ियम है, वहाँ पे एक म्यूज़ियम और जू है मियाओ में, तो वहाँ के एक म्यूज़ियम में लगभग मोर देन 100 से ज़्यादा विभिन्न प्रकार के जो सांपों को वहाँ पे रखा गया है। इन जगहों पे बहुत ज़्यादा सांप भी पाए जाते हैं, इन जंगलों में पाइथन्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं अजगर। सो पूना के एक साइंटिस्ट हैं, उनका कलेक्शन था वहाँ पे। सो देख के लग रहा था कि इतने तरह के सांप, इनमें से किसके दर्शन होंगे पता नहीं। सो ये अभी हम लोग बढ़ रहे हैं धीमे धीमे अपने बेस कैंप देबान की तरफ। दोनों तरफ घने जंगल थे, नोवा डेनिंग रिवर नदी बह रही थी और खूब तेज बारिश हो रही थी। और तो जो हम लोग के जो साथ में देबान से ही एक गाइड अलॉट होता है हम लोगों को, जो कि जंगल में आपके अगले ट्रिप्स के दौरान आपके साथ रहेगा। जैसे मैंने आपको बताया, इन जंगलों में कोई भी सफारी नहीं होती है, ना ही कोई एलिफेंट राइड्स ना कुछ। तो आपको जो घूमना है अपने पाँवों पर घूमना है जंगल के अंदर, और एक बार आप जंगल के अंदर गए तो फिर से ईश्वर ही आपके साथ है। और पर जो प्योर आनंद आता है, जो प्योर एक फीलिंग होती है, वो अद्भुत है, एडवेंचर। हाँ, क्योंकि ना तो आपके साथ आपका मोबाइल फ़ोन है, ना तो कोई कनेक्शन है, ना कुछ बत्ती है, ना आपके पास कोई हथियार है। सो एक रोमांच, जो जंगल का रियल रोमांच होता है, वो इस जंगल में हम लोगों को देखने को और महसूस करने को मिला। तो हम लोगों के साथ जो एक था, एक लिशु ट्राइब का एक बंदा जो हम लोग के साथ था अगले करीब 4-5 दिन तक इस जंगल की हम लोग की यात्रा के दौरान, वो अपने आप में अद्भुत होते हैं। वो लोग जंगल को जैसे आप अपने हाथ की रेखाओं को समझते हैं, वैसे वो लोग जंगल को समझते हैं। माने जंगल में उनकी सूंघने की शक्ति इतनी तेज़ थी कि वो सूंघ करके पहचान जाते थे कि आसपास कौन जानवर है कौन नहीं है, है ना। हाँ, सो ये अब देखिए जंगल के अंदर का एक पूरा का पूरा मैप है, कैसे उसके अंदर नदी बह रही है और जंगल में किन किन जगहों पे आप अंदर जा सकते हैं, जा कर के कैंप लगा सकते हैं और फिर वापस अपने बेस पे आ सकते हैं या रात वहीं गुजार सकते हैं। ये देबान का दृश्य है, नोवा डेनिंग रिवर बह रही है। हम लोग जब वहाँ पहुँचे शाम को तो बहुत ही अद्भुत और बहुत ही सुंदर नज़ारा था। खूब ठंड भी पड़ रही थी, यहीं पर हम लोगों की एक छोटी सी बैम्बू से बनी हुई हट थी। सो ये नोवा डेनिंग रिवर और ये जंगल रिवर नदी के उस पार क्रॉस करके भी पूरे जंगल थे, कोर एरिया थे जंगल के। और जितना आप आगे उधर जाते जाएंगे उत्तर की तरफ, नॉर्थ की तरफ, आपको फिर पूरे के पूरे बर्फ़ के पहाड़ मिलते हैं। और बारिश तो खैर वहाँ अनंत थी, कब बरस जाए कब रुक जाए कुछ नहीं पता होती है। ये रात में हट के अंदर का सीन है, बहुत ही सुंदर सी हट थी, सीधा साधा खाना था, हम लोग तो वेज खाने वाले हैं। तो उसने बहुत, ये रात का ही जंग सीन है हट का। सो ये जब हम लोग सवेरे उठे, हाँ सवेरे उठे तो जैसा मैंने आपको बताया, सुबह 4 बजे रोशनी हो जाती है वहाँ पे। फिर हम लोग उस दिन की तैयारी में थे कि हम लोग आज जंगल घूमने जाएंगे। ये नदी के चारों ओर, नदी का पार्ट बहुत चौड़ा था, बरसात में ये पार्ट पूरा ढक जाता है जी। और बहुत ही सुंदर चारों तरफ पत्थर थे गोल गोल वाले। तो इन जगहों पे घूमने के लिए उपयुक्त महीना कौन सा होना चाहिए जहाँ पे हम लोग सुगमता से इसका आनंद ले सकें? देखिए बारिश में तो यहाँ जाना असंभव है, पार्क क्लोज हो जाता है जी। क्योंकि जब बारिश पड़ती है तो इतनी बारिश पड़ती है कि शायद आप भी बह जाओ बारिश में। सो यहाँ का सबसे अच्छा उपयुक्त समय बारिश के बाद में है, और उसके अलावा जनवरी फरवरी मार्च, बारिश के पहले ये समय सबसे उपयुक्त है। और नहीं तो क्योंकि बारिश के वक्त तो आप इन नदियों को क्रॉस भी नहीं कर पाओगे। और जैसे मैंने आपको बताया, हाँ यहाँ सिर्फ पैदल चल के आपको जंगल घूमना है, तो जब पैदल चल के इन जंगलों को घूमना है तो आपका मौसम, हाँ जब ड्राई रहे तभी घूम सकते हैं। और यहाँ से आपको कभी ऐसा अनुभव हुआ कि आप किसी
पहाड़ पे खड़े हों या जंगल के यात्रा के दौरान ही कब हिमालय का दर्शन हो, ऐसा कुछ? हाँ, यहाँ हिमालय तो चारों तरफ हिमालय ही हिमालय थे। हम लोग को बर्फ के पहाड़ तो नहीं दिखे क्योंकि शायद मौसम उतना साफ नहीं था, पर जैसे जैसे हम लोग जंगल में अंदर जा रहे थे और पहाड़ों में ऊपर चढ़ते जा रहे थे, सब हिमालय ही थे, चारों तरफ हिमालय के पहाड़ियाँ ही थीं। ये सब जंगल के ही अंदर के सीन हैं। जब हम लोग जंगल में एक दिन फॉर्म बेस घूमने गए, एक दिन बुलबुलिया गए, तो यहाँ देखिए आप जैसे देख सकते हैं जंगल में हम लोगों को जोक गार्ड, जिसको लीच गार्ड बोलते थे, वो पहनना पड़ता था, जिस जो कि हम लोगों को जंगल में सांपों और जोक से सुरक्षित रखता था। जैसा आप यहाँ देख रहे हैं, लंबे जूते होने चाहिए और घुटने से ऊपर तक के जोक गार्ड पहनना चाहिए, नहीं तो वहाँ पर जंगल में कई तरह की जोंकें थीं। कुछ जोक्स ऐसी थीं जो कि ज़मीन से चढ़ती थीं, कुछ जोक ऐसी थीं जो कि पेड़ से ऊपर गिरती थीं आपके सर पे, तो सर पे भी बड़ी कैप पहननी पड़ती थी, नहीं तो वो ऊपर पेड़ में लटकी रहती थी और ऊपर से आपकी गर्दन की तरफ गिरती थी। बहुत दलदली इलाका था जंगल के अंदर, बस हाँ मार्शी लैंड बहुत था, पर हम लोग का गाइड जो था वो गजब का था। जहाँ जैसी ज़रूरत हो हम लोगों को दलदलों में अगल बगल जा कर के, वहाँ बैम्बू बहुत हैं, बांस के बहुत पेड़ हैं, तो इसके पास एक छोटी सी काटने की चीज़ थी जिसको दाव बोलते हैं वहाँ पे, हाँ जैसे खुपरी होती है ना गोरखाओं के पास, वैसे इसको दाव बोलते हैं, तो ये दाव से फटाफट जो भी चीज़ थी उसको काट लेता था। हम लोग उसको एक जगह बोले हम लोग को थोड़ा सा खाने के लिए चम्मच चाहिए, तो ये गया एक तो बांस काट कर उसके चम्मच बना दिया, पीने के लिए ग्लास बना दिया। ये देखिए नदी हम लोग क्रॉस कर रहे हैं, नोआ डेनिंग रिवर, बहुत तेज का इसमें बहाव होता है, तो कुछ दूर तक नाव से क्रॉस किए, फिर हाथ पकड़ के पैदल, एक दूसरे का हाथ पकड़ करके पैदल क्रॉस किए। तो नदी को पहले क्रॉस करना होता है, ये भी अपने आप में बहुत रोमांचक अनुभव था नदी को क्रॉस करना, एकदम ठंडा पानी का बहाव था नदी में। इन जगहों पे जैसे हम स्वतः घूमना चाहें, जो जिसमें हम लोग गाइड को न लें, तो ऐसा में आपका क्या मानना है कि यह सुरक्षित होगा या नहीं? ऐसे तो आप नहीं घूम सकते बिना गाइड के, आप जंगल में कहाँ खो जाओगे कि आप वापस ही नहीं लौट पाओगे, क्योंकि जंगल बहुत घने हैं, कई जगह तो इतने घने हैं कि ज़मीन तक रोशनी भी नहीं आती जी। और गाइड के बिना तो आप घूम ही नहीं सकते हो, क्योंकि और ये देखिए ये हम लोग का गाइड था, बहुत ही बढ़िया इंसान थे ये जी। और हम लोग के साथ 3-4 दिन तक थे, और हथियार के नाम पर सिर्फ इनकी एक अपनी दाव नाम की चीज़ होती है। ये हम लोग बुलबुलिया की जगह पर पहुँचे थे, बुलबुलिया जैसे मैंने आपको बताया, हाँ बुलबुला जमीन से निकल रहा है, ये यहाँ पे सल्फर और मीथेन निकलती है जमीन के अंदर से, तो वातावरण में आप माचिस लगाइए तो अपने आप हवा आग पकड़ लेती है, तो बहुत ही जंगल में हाँ लगने का भी एक बड़ा कारण। नहीं यहाँ जंगल में से आग नहीं लगती थी, यहाँ चारों तरफ की कोई ऐसे आग नहीं जलाता, ये तो हम लोग को दिखाने के लिए उन्होंने जलाया था। ये देखिए बुलबुलिया कैसे बुदबुद करके निकल रहा है, पहले कहते थे कि और बहुत ज़्यादा गैस निकलती थी, अब धीमे धीमे कम हो रही है। और यहाँ जंगली जानवर पानी बहुत पीने आते हैं, पानी पीने के लिए जगह है जंगली जानवरों का, तो हम लोग जब यहाँ गए थे तो ये गड्ढे के अंदर उतर करके ये जगह थी, तो एक बार को एहसास हुआ कि जैसे हम लोग इसको देख रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोगों को टाइगर का पगमार्क भी मिला था जो पाँव का निशान होता है। ये देखिए उसमें माचिस जला करके वो दिखा रहा है जी, ये कैसे आग पकड़ लीजिए, देखिए हाँ देखिए हवा में कैसे जो निकल रही है वो आग। अच्छा जलने में तो जल हाँ, गई लेकिन बुझा कैसे? वो धीमे धीमे अपने आप बुझ जाती थी, हाँ स्वतः ही फिर थोड़ी देर में बुझ जाएगी, और नहीं तो पानी डाल देते थे, देखिए अब आग कम होगी, बुझ जाएगी थोड़ी सी देर में। तो इन अद्भुत यात्रा के बीच आप कोई ऐसा जंगली जानवर? नहीं ये तो भगवान की दया थी कि कोई जंगली जानवर नहीं आया एक बार के लिए लगा कि अगर यहाँ कहीं शेर के दर्शन हो जाए या कोई जंगली जानवर के दर्शन हो जाए, बट हम लोग को इसके अलावा और यहाँ पर और बहुत सारे जंगली जानवर देखने को मिले, शेर और भालू तो नहीं मिले पर हाथी जरूर देखने को मिला, हरिण मिले, भालू मिला, जो सबसे इंटरेस्टिंग मिला वो फ्लाइंग स्क्विरल मिली, उसके अलावा फ्लाइंग स्क्विरल हाँ, उसके अलावा कुछ अद्भुत यहाँ पर जो हॉलो गिब्बॉन्स पाए जाते हैं जो कि इंडिया में और कहीं नहीं पाए जाते, हॉलो गिब्बॉन्स तो वो देखने मिले, हॉर्नबिल पक्षी जो बड़े बड़े पक्षी होते हैं वो यहाँ देखना मिला हम लोगों को हॉर्नबिल। सो जंगल अपने आप में ही बहुत खूबसूरत था, चारों तरफ का वातावरण, उसकी खुशबू, उसकी जो जंगल के जो पौधे, उसके पेड़, उसकी लताएँ, सब कुछ बहुत अद्भुत था। मैंने ऐसे जंगल और जंगल में इस तरीके से पैदल चलते जाना, जंगलों में पैदल घूमना, यही अपने आप में सबसे ज़्यादा रोमांचक अनुभव था। मैंने आदमी जहाँ आपको लगे कि आप न जाने कितने दूर तक के जंगल के बीच में आप अकेले दो इंसान घूम रहे हो, सो वो अपने आप में बहुत ही अद्भुत अनुभव था।
हम लोग जब पहले दिन गए तो हमको याद है कि हम लोग जो खाना लेकर गए थे तो इसमें खाने का आधा हिस्सा एक पेड़ के ऊपर, हमारे जो गाइड था उसने एक पेड़ के ऊपर चढ़ करके खाने का आधा हिस्सा छुपा दिया। तो हम लोग पूछे कि क्यों छुपा रहे हो भाई आधा हिस्सा, तो इसने बताया कि सर वो अगर रात में कहीं खो गए या नहीं लौट पाए बेस कैंप तक तो मुझे याद रहेगा कि किस पेड़ पे मैंने वो खाना रखा है, अच्छा तो हम लोग को अच्छा रात में कुछ खाने को मिल जाए या हो सकता है उसके महक से भी वो वहां पे पहुंच जाए खाने के जो भी महक हो। में। ये देखिए ये बड़ी अद्भुत उनकी कुटिया होती थी। ये जी जो कुटिया में आप देख रहे हैं इसे रोशनी आती थी, बांस को इस तरीके से बुना गया था कि वाह बांस के अंदर रोशनी आ जाती थी लेकिन हवा नहीं आती थी, वाह तो इस तरीके से बुना था। ये वहाँ की टीम मेंबर्स के लोग थे जो कि उस बेस कैंप में थे, जी बहुत ही अद्भुत तरीके से कुटिया की बनाई थी जो लोकली वो बहुत ही लोग। अद्भुत हाँ है वो। अब बस यहाँ से लौटने का मन नहीं था लेकिन हर सफ़र के बाद तो लौटना ही होता है। अभी हम लोग हाँ लौट रहे थे वापस, कहते हैं ना बेमन से उस नदी को फिर से क्रॉस किया। और ये तो वही फोटोग्राफ है एक, ये देखिए सब वाइल्ड लाइफ एरियाज हैं अरुणाचल प्रदेश की, जो जी डिफरेंट डिफरेंट जंगल्स हैं वहाँ के। तो जैसा ये कि एक पाइथन आपने का स्केल्टन है, जी पाइथन का हाँ अजगर का स्केल्टन है, जी ये हॉर्नबिल पक्षी है, ये वहीं मियाओ में जो वाह म्यूजियम है उसमें रखी हुई है सारी चीज़ें हैं, जी मियाओ म्यूजियम में। ये वहाँ पे एक बुद्धिस्ट सेटलमेंट है तो वहाँ पे हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह आप जी देख सकते हैं। तो फिर इस तरह से हम लोग का वापस की यात्रा चालू हुई जी और अरुणाचल क्रॉस करके हम लोग फिर सेम रास्ते से जी वापस लौटे। अब ये तेजपुर में हम लोग अगले दिन रात में जब तेजपुर पहुंच रहे थे तो ये वहाँ का है ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर का ब्रिज। जी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपके इस वीडियो के माध्यम से हम नॉर्थ ईस्ट के प्रमुख हिस्सा जो कि अरुणाचल और असम का है हम घूम पाए, बशर्ते इन चीज़ों का जिस तरह से आपने वीडियो बनाया है वो तो काफ़ी 1.5 दशक पहले ही है, लेकिन फिर भी लगता है कि हम अपने पास्ट को जानने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि एक तरह से हम पास्ट में पहुंच गए थे। जैसे कि हम स्वतः जैसे ऑडियंस हम लोग सभी लोग जैसे कि हम यात्रा के दौरान आपके साथ ही चल रहे हैं, ऐसा फीलिंग आ रहा था। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद धर्मवीर जी, वाकई में ये जगह अद्भुत है और हम सब का कर्तव्य है कि इतने सुंदर वन, इतने सुंदर जीव जंतुओं और वहाँ की जो एक अपनी जीवन शैली है उन लोगों की, उन सबको संभाल के रखना और उनके जो जो प्रकृति के साथ उनकी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी जिस तरीके से एकदम कहते हैं ना कि ताना बाना की तरह आपस में बुनी हुई है, हम सब का कर्तव्य है कि हम लोग उसको वैसे बरकरार रखें और उनसे सीखें कि कैसे प्रकृति के साथ सामंजस्य बना करके जीना चाहिए। क्योंकि अगर प्रकृति नहीं रहेगी, नेचर नहीं रहेंगे, जंगल नहीं रहेंगे, जंगली जानवर नहीं रहेंगे, तो इतना तो निश्चित है कि हम इंसान भी नहीं बचेंगे इस धरती पे, है ना। वाकई में पूरा नेचर का बैलेंस होना अनिवार्य बहुत है। ज़रूरी है। जी